सोनभद्र में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन सभा में कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए दावत का भी इंतजाम था। शिकायत मिलने पर एसडीएम फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर भौचक्के रह गए। एसडीएम ने माना कि इस तरह की दावत का आयोजन चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कार्यवाही की जाएगी और FIR भी होगी। वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम के आयोजक प्रत्याशी ने पहले तो कहा कि किसी को भी इस गर्मी में भूखा नहीं मारा जा सकता, लेकिन बाद में इस बात से भी मुकरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पता करना पड़ेगा कि भोजन किसने बनवाया था। सोनभद्र में आज कांग्रेस प्रत्याशी भगवती चौधरी द्वारा नामांकन सभा में जमकर आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए स्टॉल लगाकर दावत का आयोजन किया गया। एक कार्यकर्ता का कहना था कि कार्यकर्ताओं के लिए केवल खाने की व्यवस्था थी। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा नामांकन सभा में खाने का आयोजन किया गया, जो कि स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर कार्यवाही की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के लोगों के लिए खाना बन रहा था और आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये चुनाव खर्चा में दिखाना जाएगा, उसमें कोई ये बात नहीं है। पानी पिलाना और यहाँ पे किसी को भूखू नहीं मारा जा सकता, अगर ये है तो उसको चुनाव खर्च में दिखाया जाएगा उसको। नहीं तो ये क्या ये उचित है ये आचार संहिता? अब हमें पता नहीं कि किसने किया, क्या क्या हमने तो नहीं किया है, पता करना पड़ेगा ना। लेकिन आपके ही पंडाल के पास हो रहा है? अरे भाई, लोग अपना किए रहते हैं, लोग खाते, दुकान वाले बेच रहे, सब्जी वाले बेच रहे हैं, तो उसके हम जिम्मेदार थोड़ा हो। बन रहा था ये खाना? हमारे यहाँ नहीं बन रहा था, आपके पंडाल के बगल में, हमने हमको पता है पंडाल के बगल में कोई बना रहा था, तो पता करना पड़ेगा। SDM का कहना था कि कांग्रेस का ही ये कार्यक्रम था, कांग्रेस अभी SDM अधिकारी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो खंडन कर रहा हूँ ना कि मेरे तरफ से तो नहीं हुआ है। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी जी श्री भगवती प्रसाद चौधरी जी का नामांकन था और इस हाड़िल कॉलोनी में कॉलोनी के फील्ड में हमारे यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के संबंध पदाधिकारी, ब्लॉक, फ्रंटल, प्रकोष्ठ, हमारे सहयोगी पार्टी जनाधिकार मंच, अपना दल, चंदौली के पदाधिकारी और यहाँ के तमाम हमारे जो कार्यकर्ता संगठित रहे यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद ये पूरे नगर का जुलूस का आज कार्यक्रम था और हमारे प्रत्याशी भाई इस कार्यक्रम में क्या भोज भाज का भी आपने लिया था? ऐसा कोई भोज भाज का कोई कार्यक्रम नहीं था आज। चूंकि कार्यकर्ता हमारे आए होंगे तो उनके लिए लंच वंच की व्यवस्था जो उसमें थी व्यवस्था की गई होगी और ऐसा कुछ कोई 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 कार्यक्रम नहीं था। एक कार्यकर्ताओं के था, पब्लिक कोई मीटिंग नहीं, पब्लिक कोई मीटिंग नहीं, तो कह रहे थे कि आचार संहिता उल्लंघन है। नहीं तो SDM साहब कार्यकर्ताओं की वो अधिकारी हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ कोई भोज भात का कार्यक्रम नहीं था।